हेलो प्यारे बच्चों। तो यार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका देख सकते हो, यहाँ पे ओपन काउंसलिंग ऑलरेडी रनिंग में चल रही है। ठीक है, द फॉलोइंग कैंडिडेट अप्लाई फॉर द ओपन काउंसलिंग, एंड ये जो भी था अपडेट आया था इसका, आई थिंक 17 तारीख को जो भी इनकी सीटें वेकेंट थी जो, तो उसके आधार पर जो है यहाँ पे ओपन काउंसलिंग के लिए बहुत सारे बच्चों ने रजिस्टर किया है। तो यहाँ पे किन किन बच्चों ने रजिस्टर किया और क्या सारा सीन है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अभी आप लोगों को 17 के रहने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे जो है बहुत सारे बच्चे ऑलमोस्ट कॉलेजेज जो है अभी ओपन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, ओपन काउंसलिंग लिस्ट कैंडिडेट अप्लाइड एंड शॉर्टलिस्टेड फॉर द ओपन काउंसलिंग थ्रू सीओटी। ओके, टोटल 409 बच्चे थे जैसे। ठीक है, इधर बहुत सारे बच्चे बहुत सारे कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है यहाँ पे। तो यार अभी वो टाइम चला गया वो ढूंढने वाला सारा सिस्टम। ठीक है, अभी ऑन स्पॉट एडमिशन बहुत सारी कॉलेजों में स्टार्ट हो चुका है। हालांकि देख सकते हो रजिस्ट्रेशन पीजी के लिए 20 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया है, एंड ओपन काउंसलिंग जो जिन बच्चों ने अप्लाई किया था उनकी लिस्टें जारी कर दी गई है। यहाँ पे जो वैकेंट सीटें थी यूजी प्रोग्राम के अंदर उनकी लिस्टें जारी कर दी गई है कि कौन कौन से कोर्सेज के अंदर कितनी कितनी सीटें वैकेंट है। यहाँ पे इंडिविजुअल जैसे डाली गई है, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में इतनी सारी सीटें, अलग अलग कैटेगरी कोटा के अकॉर्डिंग एनएसएस एनसीसी स्पोर्ट्स कैटेगरी में 1 सीट वैकेंट है, कश्मीरी माइग्रेंट CWS ST ST OBC जनरल, ये देख सकते हो इतने सारे कोर्सेज में इतनी इतनी सीटें जो है वैकेंट अभी पड़ी है। इतने सारे सिग्नेचर अप्रूवल के बाद ये ऑफिशियली रिलीज हुआ है 17 तारीख को। ओके, एंड ये सारा सीन है। तो जिन भी बच्चों ने रजिस्टर किया है ओपन काउंसलिंग के लिए, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड एक चीज और बताना चाहूंगा, ओपन काउंसलिंग का बेसिकली मतलब ये होता है, इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपने उस कॉलेज को सेलेक्ट किया हो या ना किया हो, वहाँ पे जो है सारे के सारे बच्चे ही एप्लीकेबल होते हैं जिसने CUET दिया हो। इसका जरूरी नहीं है कि आपने उस कॉलेज को सेलेक्ट किया है नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पेशली ये जो टॉप कॉलेज है DU वगैरह में ऐसा नहीं होता, लेकिन जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो ओपन काउंसलिंग कंडक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना प्रॉब्लम हो जाती है उनको, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं कर पाते लेकिन उनके अच्छे मार्क्स होते हैं, तो यूनिवर्सिटी उनको ये मौका देती है ओपन काउंसलिंग का। जिनके काफी अच्छे मार्क्स होते हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं टिल लास्ट राउंड को एडमिशन प्रोग्राम के लिए। तो यार ये सारा प्रोसेस है रिगार्डिंग द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। जिन भी स्टूडेंट के काफी लो मार्क्स है और वो अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं, देन जो है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों में जो आपका एडमिशन करा देते हैं। ठीक है, तो यार जरूर से जाके एनरोल कर लो सारे के सारे बच्चे। हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। धन्यवाद।